टूट गया। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई बहुत अच्छे, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। सो अभी मैं बच्चों को लेके आई दशहरा देखने के लिए। पतिदेव नहीं आई क्योंकि भीड़ है ना, पतिदेव को भीड़ से सख्त एलर्जी है, वो भीड़ वाली जगह पे जाना पसंद नहीं करता। तो बहुत बड़ा रावण लगा हुआ है और यहाँ पे चल रही परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर मैं अन्नी से कह रही हूँ, अन्नी आप भी डांस करना। तो अन्नी कह रही है ठीक है मम्मा। और अभी रावण के पास ना सारी पब्लिक खड़ी हुई है, रावण जलने वाला है, अनाउंसमेंट चल रही है, राम जी आने वाले हैं। तो पब्लिक तो यहीं खड़ी हुई है। वैसे तो तीन तीन आप लोग देख रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी रस्सी से बांधा हुआ है, वॉलंटियर खड़े हुए हैं। बट मुझे तो डर लग रहा है भाई, मैं तो बच्चों को लेके, क्योंकि पति देव तो आए नहीं मेरे साथ, तो मैं तो बच्चों को लेके स्टेज पर चढ़ जाती हूँ आराम से। सेफ्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बम पटाके भाई कुछ भी हो सकता है। वैसे तो इन लोगों ने सेफ्टी बहुत रखी हुई, मैं हर साल यहीं आती हूँ। हमारे राम जी आ चुके आते हैं। कलाकारों को देख के तो ऐसा लग रहा है सचमुच भगवान जी आ गए यार। अनवी पूछी मम्मा असली वाले हैं ना? मैंने कहा हाँ बेटा, देखो असली वाले हैं, देखो सारे। सो अनवी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, हाई असली वाले हम फोटो में दिखते थे, ये रियल में आ गए। यहाँ पे राम जी आ चुके हैं धनुष लेके, अब मारेंगे तीर। अब सारे के सारे लोग भागेंगे गाइस, अब भागेंगे क्योंकि अब आग लगने वाली है ना रावण में, अब सारे के सारे भागेंगे। मैं इसलिए पहले ही स्टेज पे चढ़ गई क्योंकि भीड़ भड़ाका में बच्चे इधर से उधर हो जाएंगे ना, अब राम जी भी ऊपर आ जाएंगे स्टेज पे और आराम से दर्शन दर्शन करेंगे। राम जी आ गए, वो राम जी के लिए तोहफा है। आप लोगों से अनुरोध, चिप्पी जी आ जाइए, हमारे राम जी आ चुके हैं। चलता हूँ, देखने में बड़ा मजा आता है, बट जो एक बार में जलता है ना तो डर सा लगता है यार, आग वाग ना लग जाए, क्योंकि पेड़ पौधे भी है ना। और सारी स्टेज देख लो गाइस, पूरी पूरी स्टेज भर चुकी है। बिना रावण को अच्छे से बांधा हुआ है रस्सी से, अब एक साइड से गिराएंगे आराम से धीरे से, क्योंकि किसी को ऊपर ना गिर जाए। तो यहाँ पर रावण का हो गया स्वाहा। वैसे गाइस कलयुग का रावण बहुत डेंजरस है, पहले का रावण तो बहुत अच्छा था और शिव जी का भक्त था। आपको क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी हम लोगों ने देख लिया रावण जलता हुआ, अब चलते हैं, अब कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि भूख लग रही है। सेक्टर 4 चलते हैं बच्चों को लेके। तो यार यहाँ पर तो भीड़ बहुत हो रही है, बच्चों का हाथ नहीं छोड़ पाऊंगी, ब्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो अभी मस्त रुमाली रोटी चाकू की सब्जी खाते हैं। सो अभी खाना ना खा लिया और बच्चों ने यहाँ पे लिया आइसक्रीम ठंडी ठंडी। ये कभी बच्चे यहाँ पे आते हैं ना तो कुल्फी वाली आइसक्रीम जरूर खाते हैं। और अनवी के आँखे के वाले दाँत में ना ठंडी ठंडी लगती है, तो अनवी की आधी ज़्यादा आइसक्रीम मैं ही खाती हूँ, इसलिए मैं तो अपनी आइसक्रीम लेती ही नहीं। तो अभी मैं अपनी स्कूटी को निकालती हूँ, फंस गई मेरी स्कूटी तो यहाँ पर, और मेरे से निकल नहीं रही स्कूटी, अनवी पहले बैठ गई है और सामने शिवांग ने कैमरा पकड़ा हुआ है और सामने ना लोग देख रहे हैं और मेरे से निकल नहीं रही, बड़ा अटपटा लग रहा है। अब मेरी इज्जत का सवाल, अब तो निकालनी पड़ेगी। तो मैंने फाइनली निकाल लिए ताकत लगा के। अभी आप लोगों ने तो पेट पूजा कर लिए, अब पति देव को मैं सोच रही हूँ मैं क्या लेके जाऊँ क्या लेके जाऊँ। सो अभी मैं अंडे ले लेती हूँ पति देव के लिए, ब्रेड ऑमलेट वगैरह बना दूँगी उनको घर चल के। और यहाँ पर शिवांग ने एक पोपट कर दिया, अंडा ही फोड़ दिया उसने हाथ में। सो अभी एक और अंडा लेती हूँ, घर पर अंडे रखे भी हुए हैं। आज कोई फोड़ दो, कभी ऐसे नहीं फूटेगा अंडा, आप तुम फोड़ के देखो। बनाती हूँ पति देव का खाना ऑमलेट। और इसी के साथ आज का ब्लॉग पसंद है, देखिए वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।